आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। लेकिन जब हम भरवा बैंगन बनाते हैं और ग्रेवी में डालते हैं तो सारे मसाले उसी में निकल जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बैंगन के अंदर मसाले अंदर तक कैसे रहें। तो चलिए मिलके बनाते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले बैंगन इस्तेमाल किए हैं, बड़े बैंगन का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब काटना कैसा है ये भी देख लीजिए। ये जो डंठल है ये बहुत बड़ी है तो उसको हटा दीजिए ऐसे करके, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो दिक्कत आती है। छोटी सी अच्छी भी लगती है दिखने में। एक कट इसको यहाँ पे लगाना है, उसके बाद में क्रॉस करके दूसरा कट यहाँ पे। मैंने यहाँ तक छोड़ दिया इसको, मतलब जिससे पूरा खुलेगा नहीं। और ऐसे करके देख भी सकते हैं कि अंदर कोई गंदगी या ख़राब तो नहीं है आपका। इस तरह से हमको सारे बैंगन काटने हैं। बैंगन तो हमने काट लिया, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 छोटे चम्मच सौंफ मैंने इस्तेमाल करी है, और ये पतली वाली सौंफ ली है मैंने, और 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरा सबसे कम, और 15 से 20 काली मिर्च के दाने। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। जब भी इस तरह के मसाले आप भूनें, कोई से भी मसाले भूनें, हमेशा लो फ्लेम पे, क्योंकि जलने लग जाते हैं, भूनते नहीं है। हल्की सी खुशबू आने लग जाए बस उतार लीजिए उसको। मसालों की मतलब कि धनिए की खुशबू पहले सबसे पहले आएगी। अब यह करना है कि गैस की फ्लेम को कर दो बंद, और 1 बड़ा चम्मच हमने कसूरी मेथी डाल दी गैस बंद करने के बाद में, क्योंकि कसूरी मेथी हो जाती इसी हीट में हो जाएगी। मुश्किल से आधा मिनट, अब कसूरी मेथी की भी खुशबू आने लग गई है। अब इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ। 1 बड़ा चम्मच बेसन, बेसन का काम है मसालों को बैंगन में रोकने का काम, मतलब कि जो मसाले ग्रेवी में ना आ जाएं, बैंगन के अंदर ही चिपके रहें, इसलिए हम बेसन डालते हैं। बेसन को भूनिए, कच्चा बेसन तो हम डालेंगे नहीं, इसकी जगह आप भुने हुए चने का पाउडर भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। जब भी बेसन को भुना जाता है हमेशा लो फ्लेम पे भुने, वरना जलने लग जाता है, ऐसा लगता है कि भुन गया है लेकिन कच्चापन रह जाता है उसके अंदर। तो यहाँ मुझको लगे लगभग 3 से 4 मिनट। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। जो खड़े मसाले हमने भुने थे उसको अब पीस लेते हैं। फाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बन गया पाउडर, फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा लेकिन हाँ हल्का सा दरदरा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा मत करना, अच्छा नहीं लगता मोटा। भरवा बैंगन के लिए अब सारी चीज़ें एक बाउल में डालेंगे। ये सबसे पहले मसाला, ये भुना हुआ बेसन, गंधक वाला फ्लेवर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे खट्टापन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपको हींग पसंद है तो 1/4 छोटी चम्मच आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, कलर के लिए हल्दी 1/4 छोटी चम्मच से कम, और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लो आप। बेसन डालने की वजह से ये जो मसाले हैं ये चिपकेंगे आपस में और बैंगन के अंदर भी। जब ग्रेवी में जाएगा, मसाले के अंदर जाएगा, तो मसाला बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर सरसों का तेल डाल रहे हैं, वो भी कच्चा छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं। अगर आपको सरसों के तेल की पंजनेस अच्छी नहीं लगती है तो आप अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। अचार के अंदर जो तेल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्की सी पंजनेस के लिए, खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब बारी आती है इसके अंदर स्टफिंग करने की। स्टफिंग कैसे करें, अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा डाला, इस तरह से हो गई स्टफिंग, ये लो, बिल्कुल गलत। अब ये मसाला क्या है, हल्का सा लगा इसमें, और थोड़ा बहुत मसाला होगा वो भी नीचे निकल जाएगा जब ग्रेवी में जाएगा, या थोड़ा सा इसको जब हम फ्राई करेंगे तब निकल जाएगा। अब जा रहा है मसाला तो अच्छी तरह डालिए ना। ये चम्मच क्यों रखा है हमने यहाँ पे, इसीलिए तो रखा है। अब निकलना होगा तो बाद में निकल ही जाएगा अपने आप, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भरपूर मात्रा में मसाला अंदर जाना ही चाहिए। ये इसका मुंह खुल जाएगा इस तरह से जब आप इसके अंदर मसाला फिट करोगे। ये देखो, अब जितना निकलना होगा वो अपने आप निकलेगा, आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक इसके अंदर मसाला नहीं जाएगा ना अंदर अच्छी तरह से, और जब हम बैंगन को खाएंगे तो मसाला आना चाहिए मुंह में। थोड़ा सा नहीं लगाना, भरपूर मात्रा में लगाना है, ऐसे इसका ऊपर का पूरा मुंह खुल जाएगा। इस तरह से हम सारे भर लेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग हो गई है। एक काम आप कर सकते हैं कि हल्का सा तेल लगा के इसको ओवन में भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैं शैलो फ्राई कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। तो हम तो शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक नॉनस्टिक पैन और इसमें डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल का। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं शैलो फ्राई इस तरह से। अगर आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हैवी बॉटम का कोई पैन का इस्तेमाल करें। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रहेगी। अब ये बाहर की तरफ से तो क्या होगा, फ्राई होता रहेगा, अंदर की तरफ से हम स्टीम से इसको पकाएंगे। एक बात आपने गौर करी, मैंने ऊपर से मसाले को थोड़ा साफ़ किया है, हल्का हल्का सा, क्योंकि अगर मसाला आप साफ़ नहीं करेंगे तो मसाला जलने लग जाएगा पहले ही। तो ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा मसाला है उसको हटा दीजिए जो ऊपर की तरफ से बैंगन पे लग रहा है, और धीरे धीरे घुमाते घुमाते इसको शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ से ये शैलो फ्राई हो गया है लेकिन अंदर से तो कच्चा है। अब इसको ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो मसाला भी निकलने लग जाएगा। अब इसको ढक के पकाएंगे और बीच बीच में इसको छेड़ते भी रहना है, मतलब उठाना है फिर आगे पीछे करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बीच बीच में स्टर भी किया है और उसको ढक के भी पकाया है, तो मतलब स्टीम से भी पक गया और ऑयल से भी पक गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हो,
वैसे होटल में हम ऐसे नहीं बनाते थे, हम क्या करते थे इसको डीप फ्राई कर लेते थे ऐसे ही, और पूरी तरह से नहीं पकाते थे, हाफ डन से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लेते थे, उसके बाद में मसाला भरते थे, क्योंकि होटल में इतनी मेहनत नहीं करते हैं, फास्ट काम होता है ना होटल्स में। तो ये देखिए ये बैंगन पका है लेकिन लगभग 50-60% पूरी तरह से अभी भी नहीं पका है। अब क्या करना है, इसको बंद कर देता हूँ मैं गैस की फ्लेम को और इसको इसकी स्टीम में पकने देते हैं कम से कम 5-10 मिनट। अब तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी बनाने की। तो एक कप हमने दही लिया है, फ्रेश दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी वरना ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया हमने 1.5 छोटा चम्मच लिया है यहाँ पे, जीरा कच्चा जीरा 1/2 छोटा चम्मच, और ये वो मसाला है जो हमने बैंगन के अंदर डाला था, 1 बड़ा चम्मच भर के डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 बड़ा चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और मसाले भीग जाएंगे। एक पैन के अंदर हमने 3 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तेल जब गर्म हो जाए तो 1 छोटी चम्मच जीरा लेना है, और जीरे की तड़कने की आवाज़ जब कम हो जाए तब प्याज डालना है। और प्याज कितना लिया है, 2 मीडियम साइज के हैं जिनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज भूनना है हमको तब तक जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब ज़्यादा कलर ना आ जाए, काले ना हो जाए, तो यहाँ पानी डाल दो और फटाफट से दही का मसाला डालना है। पानी इसलिए डाला जिससे दही फटेगा नहीं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, तो यहाँ पे दही वाला मसाला डालना है और इसको लगातार स्टर करना है, छोड़ना नहीं है जब तक ये ऑयल लूज आउट नहीं होता है। तो ऑयल लूज आउट हो चुका है, मसाला पक चुका है, अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करना है। और जो बैंगन हमने पका के रखे थे ये देखो अच्छी तरह से बैंगन के अंदर मसाला अच्छी तरह से भरा हुआ है अभी भी, और ये बैंगन को अगर दबा के देखेंगे तो ये बैंगन लगभग 80% पक चुका है, हल्का सा कच्चापन होगा तो जो इसकी स्टीम में पकेगा। अगर बैंगन को मिक्स करके पानी में डाल दिया या पानी मिक्स करके बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको ऐसे कैसे सेट कर दो इसी में, ये देखो तभी तो खाने में मज़ा आएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना और ये मसाले के साथ में इसको इस तरह से सेट करना है। ये अब मैं इसको कर देता हूँ कवर, लेकिन इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, ये जल जाएगा। इसको बीच बीच में उठाकर इसको घुमाना है जैसे मसाला जले नहीं, लेकिन बैंगनों को नहीं छेड़ना है ज़्यादा। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए शानदार ग्रेवी तैयार हो गई है, और हमारे जो बैंगन हैं ये भी पक गए हैं। हमने बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा इसको, धीरे धीरे छेड़ा है जिसकी वजह से इसका मसाला बाहर ना निकले बस। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पानी की कमी है तो हल्का सा गर्म पानी ऐड कर दें जिससे जले नहीं मसाला। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, धनिया लास्ट में जाएगा श्रद्धा के अनुसार, डालना है तो थोड़ा सा नाम का गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं, और ये हरी मिर्च लास्ट में डाल देना, इसका कच्चापन जो होता है ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और कवर कर दीजिए, सब्जी तैयार। भरवा बैंगन की सब्जी इस बार ऐसे बना के देखना, सब आपकी तारीफ ही करेंगे, क्योंकि इसमें मसाला अंदर तक सेट है, इसको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।